हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल समीनास किचन। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ रोज़ फालूदा केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कुछ डिफरेंट तरीके से। तो चलिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये मैंने हाफ के जी का स्पॉन्ज लिया हुआ है, तो हम पहले इसको डिमोल्ड कर लेते हैं। ये वेनिला स्पॉन्ज है, इसमें मैंने थोड़ा सा पिंक कलर ऐड किया था ताकि जो हमारा रोज़ फालूदा का फ्लेवर वाला केक है उसमें थोड़ा हमारा स्पॉन्ज को भी टेक्सचर आ सके। तो हम इसको अब तीन लेयर में कट कर लेंगे अच्छी तरह से। आप लोग थ्रेड के हेल्प से भी कट कर सकते हो। हमें हाफ के जी केक के तीन लेयर ही कट करने हैं। तो हो चुके हैं लेयर कट, अब हम इसकी आइसिंग कर लेंगे। तो मैंने केक शीट ली है और मैं क्रश का इस्तेमाल करके ये फ्लेवर का केक बनाने वाली हूँ। तो हम थोड़ी सी क्रीम हमारे केक पैड पे लगा लेंगे ताकि हमारा जो केक है वो हिले ना जब हम आइसिंग करेंगे, अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। अब हम उस पर शुगर सिरप सोक कर लेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आपको इसको स्किप नहीं करना है। अब मैं दूसरे बाउल में थोड़ी सी क्रीम ले लूँगी और उसमें जो हमारा क्रश था वो मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से ताकि हमारे क्रीम में भी रोज़ फालूदा का फ्लेवर आ सके। अब हम उसको स्प्रेड कर लेंगे और थोड़ा सा क्रश मैं इसके ऊपर भी ऐड करूँगी ताकि हमारे स्पॉन्ज में भी अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। बहुत अच्छा बनता है इस तरीके से केक, आप लोग ज़रूर बनाइए गाइस। और ये बहुत ही ट्रेंडिंग केक है आजकल, इसकी डिमांड बहुत है, तो आप लोग ज़रूर बनाना। और ये मैं आपको हार्ट शेप में बना के बता रही हूँ ताकि आप अगर कोई फंक्शन हो या कोई स्पेशल डे हो, एनिवर्सरी हो, तो आप लोग इसको ज़रूर बनाना। अब जो हमारा टॉप लेयर है हम उसको भी अच्छी तरह से सोक कर लेंगे और उसको क्रीम से कवर कर लेंगे। तो मैं इसको क्रम्बल कोट कर लूँगी क्योंकि मुझे रेड कलर से इसको आइसिंग करनी है। तो पहले हम इसको नॉर्मल कवर कर लेंगे। अब मैं रेड कलर क्रीम में मिक्स करके उसको कवर कर लूँगी। पहले हमें साइड पे लगा लेनी है क्रीम। देन स्क्रैपर की हेल्प से हम अच्छी तरह से उसकी आइसिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारी आइसिंग हो चुकी है। अब हम उसमें कुछ अलग डिज़ाइन में बना के बता रही हूँ आपको। तो ये मैंने एक स्टिक्स के हेल्प से अपने केक पे मार्किंग कर ली है। आप लोग भी ऐसे ही करना, डायरेक्टली क्रीम का इस्तेमाल मत कीजिए, ये तो केक ख़राब भी हो सकता है। अब मैंने एक पाइपिंग बैग में नॉर्मल क्रीम ली हुई है, उसको थोड़ा सा कट कर लिया हुआ है। मैंने कोई भी नोज़ल का इस्तेमाल नहीं किया है, जस्ट अपने हाथों का इस्तेमाल करके मैं उस पर डिज़ाइन बना रही हूँ। जैसी भी आएगी बहुत अच्छी लगेगी, देख सकते हो आप लोग, इस तरह से आपको करना है। आप चाहिए तो पूरे केक पे भी कर सकते हो, बट मैंने हाफ केक पे ही बना लिया है। कुछ डिफरेंट डिज़ाइन है और बहुत ही इजी डिज़ाइन है गाइस, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। और जहाँ मैंने मार्किंग कर ली थी वहाँ पे मैं भी इस तरीके से बना लूँगी। कोई भी नोज़ल का इस्तेमाल नहीं किया है, आप देख सकते हो। ये R11 नोज़ल है, इसके हेल्प से हम रोज़ बना लेंगे। ये आपको केक के शॉप में बहुत इजीली मिल जाएंगे। और सीज़र की हेल्प से हमें उसको कट करके रखना है हमारे केक के ऊपर। मैं
व्हिपिंग क्रीम फ्रॉस्टिंग के वीडियोस भी बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ गाइस, तो स्टे ट्यून। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से मैं ये तीन रोज बना के ले चुकी हूँ, देखिए माशाल्लाह हमारे केक का लुक देख सकते हो आप लोग, बहुत अच्छा है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना गाइस। ये मैंने लीफ का नोज़ल लिया हुआ है, ग्रीन कलर की क्रीम मैंने बना ली है और उसमें और जो बचा हुआ था उस पर भी हम सेम वाइट क्रीम से कर लेंगे। तो देखिए हमारा केक हो चुका है रेडी बहुत ही सिंपल तरीके से। ये आपका केक 5-10 मिनट में रेडी हो जाता है, इतनी सिंपल डिज़ाइन है बट बहुत अच्छा बनता है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना गाइस, और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस। अल्लाह हाफिज़।